क्या बधाई देना चाहेंगे आज सुरेश गुरुजा जी के बेटे का जन्मदिन है? आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि एक तरफ गुरुजी के बड़े बेटे देव का बर्थडे है और साथ साथ उनके छोटे बेटे जिनका अभी सवा महीने के बाद आज नामकरण हुआ है और बहुत ही सुंदर नाम शिवाय, मतलब जैसे गुरुजी है भगवान के लिए पूरी तरीके से समर्पित, इनके द्वारा कहीं ना कहीं हम भी पूजा और आस्था से और ज़्यादा हमारा भाव जुड़ता जाता है। मतलब एक बोलते ना सबसे बड़े निमित्त तो गुरु ही होते हैं और उन्हीं के अनुरूप उनके दोनों ही बेटों का नाम है, एक देव है और एक शिवाय है। तो उन दोनों की जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे और वो उनकी पूरी जिंदगी आनंदमय और मंगलमय रहे। पंडित जी ने आज एक अनोखा पहल चालू किया है, जय श्री राम के नाम का केक काटा है, बच्चे के नाम का नहीं, ना उन्होंने मोमबत्ती चाहिए। आजकल के युवाओं में वो बातें नहीं, आजकल के माता पिता में वो सब बातें नहीं है। देखिए मैं ये कहूंगी कि चारों तरफ ही बहुत ही मतलब जय श्री राम, यानी अयोध्या मंदिर की बोलते ना अभी सभी को इंतजार है जनवरी में जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो हर एक के दिल में वो कहते क्या गांव का क्या हर बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो एक शुरुआत है कि केक पर मतलब वो जय श्री राम नाम रख के कि भगवान हमेशा बच्चों पर आशीर्वाद अपना बनाए रखे। जो युवा बच्चे हैं वो तो अपने नाम का ही केक रखते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं और तमाम बड़े बड़े होटल में जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या एक नया सबक है? देखिए मुझे लगता है हमें मेजोरिटी देखनी चाहिए, जो लोग अभी कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे बदलेंगे, केक काटने का चलन भी धीरे धीरे बदलेगा, तो हर चीज का चलन बदल रहा है। आज से यहाँ से शुरुआत हुई है और भी कहीं पर ये चीजें बदलेगी। अभी आप देखेंगे लोग केक काटते भी युवा भी तो बुझाते नहीं है, अब थोड़ा चलन बदला है, पहले लोग कैंडल जलाते थे बुझाते थे, अब वो चीज नहीं हुई है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीजें बदलेगी। सुरेश गुरुजा जी पिछले कितने सालों से आप दोनों का कॉम्बिनेशन कितने लोग अब जानते हैं और कैसे जानती है, पहली मुलाकात कब हो? हाँ, वही चर्चा हो रही थी हमारी चर्चा भी वही हो रही थी और भी वरिष्ठ जनों से, और वही हम बोल रहे थे कि सब संजोग होता है, बोलते ना एक योग लिखा होता है तब लोगों से मुलाकात होती है। मेरा यही बाजू में ही ऑफिस था और तब पंडित जी का वहाँ आना हुआ आशीर्वाद के रूप में किसी के द्वारा, और कहीं ना कहीं उसी वक्त एक अच्छी शुरुआत होने जा रही थी और उस अच्छी शुरुआत में हम एक साथ 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 हो गए। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के रूप में आज जो माहौल है, लोगों का साथ है, वो कहीं ना कहीं आज पंडित जी ने जिस तरीके से अपने व्यवहार से अपने ज्ञान से लोगों को जोड़ रखा है। पंडित जी एक ऐसे है, जैसे कहना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित जी